वेलकम बैक टू डिश स्टोर, आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर पास अपडेट लेकर आए, छोटी छोटी अपडेट से ले वीडियो को शुरू करता हूँ। देखते हैं डिटेल्स में नोटिस यूनाइटेड एफसी के लिए भी गुड न्यूज है। अगर बात करें नोटिस यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करने वाला हूँ, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखते हैं डिटेल्स में जो कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा जो सेकंड चैनल है अनोखे व्लॉग्स वहाँ जरूर जाना। और मेरा जो और एक व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, अभी एडिटिंग हो रहा है भाई, कल तक शायद आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, देखते हैं डिटेल्स में। इधर अगर बात करें सबसे पहला जो अपडेट आ जाता है वो है भाई केरला ब्लास्टर की ऑफिशियल पार्टनर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि है अटल एनर्जी। यानी कि अगर बात करें केरला ब्लास्टर की जो कि स्पॉन्सरशिप है तो काफ़ी अच्छी हमें लगा। तो भाई काफ़ी मतलब अगर देखा जाए काफ़ी अच्छी अपडेट है केरला ब्लास्टर के लिए। नेक्स्ट जो अपडेट आ जाता है वो है भाई चेन्नई सुपर किंग की कुछ प्लेयर्स जो कि आगे जाकर हमें देखने को मिलेगा, कुछ प्लेयर्स जो कि हमें बहुत जल्द रिटर्न करते हुए देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीजन के लिए। उनमें से अगर बात करें एम एस धोनी, जी हाँ एम एस धोनी को रिटर्न करने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें रविंद्र जाडेजा, रितू राज और भाई ऐसे कुछ प्लेयर है जो कि आगे जाकर हमें देखने को मिलेगा रिटर्न करते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो कि ये बहुत ही अच्छी अपडेट है और बहुत जल्द जो ये प्लेयर हमें रिटेन करते हुए देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें इधर नोटिस यूनाइटेड एफसी की कुछ फोटोग्राफ जो कि हमें दिवाली की फोटोग्राफ हमें देखने को मिले, जो कि कुछ फॉरेनर्स प्लेयर्स दिवाली मना रहे, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। तो भाई ऐसे में आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और आपको बता दूँ जो कि कुछ फॉरेनर प्लेयर्स जब दिवाली की जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे देखते हुए काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पर एक बार बताना ज़रूर। उसी के साथ साथ अगर बात करें कुछ लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि भाई आईएसएल कब शुरू होने वाला, तो उनको बता दो आईएसएल जो आगे जाके भाई 19 नवंबर को शुरू होने वाला है। 19 नवंबर से हमें आईएसएल देखने को मिलेगा जो कि गोवा से होगा लाइव। तो ये था छोटी छोटी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में।